नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में कोरोना को लेकर भक्त और भगवान के पावन स्थल विद्यापति धाम मंदिर को सावन के पहले दिन रविवार को प्रशासन की ओर से मंदिर के गेट को बैरिकेडिंग कर घेराबंदी कर दी गई। सरकार के निर्देश के तहत आज SDO ज्ञानेंद्र कुमार, CO अजय कुमार ने पुलिस बल के साथ विद्यापति धाम मंदिर पहुंचकर जल अभिषेक पर रोक लगाते हुए मंदिर परिसर में चौकी लगाकर पूजा पाठ करने के लिए पूजा सामग्री के साथ बैठे पंडा को मंदिर से बाहर करते हुए मंदिर के सभी गेट को बैरिकेडिंग कराकर घेराबंदी कर दी कि जल अभिषेक के लिए कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर ना आ सके। और साथ ही SDO ने निर्देश भी दिया कि कोरोना गाइडलाइन के तहत मंदिर में भीड़ नहीं हो, इसके लिए मंदिर को पूर्णतः बंद कर रखा जाए। साथ ही श्रद्धालुओं से भी आग्रह किया कि इस कोरोना बीमारी को देखते हुए कोई जल चढ़ाने मंदिर ना आए। कोरोना को लेकर 2 साल से मंदिर को सावन में बंद रहने से बाजार के व्यवसायियों और पूजा कराने वाले पंडा के घर में मायूसी छाई है। R9 भारत के लिए रत्नशंकर भरद्वाज की रिपोर्ट, समस्तीपुर। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग में कुंडा पुल के समीप रविवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक समेत गंभीर रूप से 3 जख्मी। स्वजनों ने रेफरल अस्पताल में जमकर हंगामा काटा तथा जख्मी का प्राथमिक उपचार कर रहे चिकित्सक डॉक्टर ज्योति भारती को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें डॉक्टर ज्योति भारती ने अस्पताल परिसर में भागकर गायत्री शक्ति पीठ में छुपकर जान बचाया। चिकित्सक की पिटाई की घटना मामले में लगभग 1 घंटे तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि सूचना पाकर थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों को शांत किया गया। बताते चले मैगामा गांव मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद गौस, मोहम्मद आदिल एक ही बाइक पर सवार होकर इंग्लिश मोड़ चौक पर खरीदारी करने गए थे। खरीदारी कर बाइक से वापस आ रहे थे, उसी क्रम में कुंडा पुल के समीप सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक का गुल्ला टूटा, जिसमें ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक में ठोकर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसे स्वजनों ने तीनों जख्मी को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल आया। रेफरल अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ज्योति भारती ने तीनों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। इसी बीच जख्मी के साथ आए स्वजन और मैगामा गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग ज्योति भारती को जल्दी से जल्दी इलाज करने का दबाव बनाने लगे। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक युवक ज्योति भारती की पिटाई करना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ उग्र होकर डॉक्टर की पिटाई करना शुरू कर दी। भीड़ से बचते हुए चिकित्सक प्रसव कक्ष की ओर भागे, लेकिन उग्र भीड़ ने प्रसव कक्ष जाकर मारपीट की और घसीटते हुए अस्पताल के पोर्टिको में खड़े एम्बुलेंस में लाकर बंद कर दिए। स्थिति को गंभीरता देखते हुए डॉक्टर ज्योति एम्बुलेंस से उतरकर अस्पताल परिसर में दौड़ लगाते हुए समीप गायत्री शक्ति पीठ की ओर भागे। डॉक्टर को भागते देख भीड़ पीछा करते हुए गायत्री शक्ति पीठ के समीप पहुंचे, डॉक्टर का खोज करने लगे। इसी बीच कुछ स्थानीय लोगों ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत किया। वही गंभीर रूप से तीनों जख्मी बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। चिकित्सक के साथ मारपीट की घटना सूचना मिलने पर रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी डॉक्टर नवल किशोर साहब पहुंचे, और जहां से उन्होंने पूरी घटना की जानकारी विभागीय वरीय पदाधिकारी को दी। R9 भारत के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट, बांका। भरगो गांव में रविवार को मानसिक तनाव के कारण एक युवक ने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक रुदल बिंद है। सूचना मिलने पर दरोगा अरुण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाटका सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रुदल सिंह नशे का आदी था, यही कारण है कि दो शादी के बाद भी दोनों पत्नी इसे छोड़कर भाग गई। पिछले 1 वर्ष से रुदल सिंह अपने माँ बाप के साथ पंजाब में मजदूरी का काम करता था। वह 2 दिन पूर्व शुक्रवार को पंजाब से घर आया था। घर पहुंचने पर ताला बंद मिला और पत्नी अंजनी देवी 3 वर्ष की पुत्री संतोषी घर पर नहीं थी। इसी बीच वह पत्नी से मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन पत्नी ने घर आने को इनकार कर दिया, जिससे रुदल सिंह ने मानसिक तनाव में गले में साड़ी का फंदा लगाकर छत में पंखे में लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह पड़ोस के कुछ लोगों ने देखा कि रुदल का कमरे से दरवाजा बंद है, जिस पर आवाज देकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कुछ लोग कमरे के अंदर गए तो पंखे से लटका हुआ शव मिला। वही पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मृतक के बाएं हाथ की हथेली में हिंदी में पत्नी अंजनी और अंग्रेजी में रुदल लिखा था, जबकि कई लोगों का मानना है कि रुदल बिंद साजिश के तहत हत्या कर शव को खुदकुशी का रूप दिया गया है। जो भी पुलिस अनुसंधान से सच्चाई उजागर हो पाएगा। बताते चले कि मृतक भाई में अकेले था और माता पिता फिलवक पंजाब के लुधियाना में ही थे। प्रभारी थाना अध्यक्ष राम विचार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्वजन के बयान पर आगे की कार्यवाही होगी। आपका वीरेंद्र, मृतक कौन हुए आपके? चचेरा भाई। कैसे घटना हुई? अपने से जो है आत्महत्या किया, बार बार आत्महत्या करने का प्रयास करता रहता था। पूरे समाज जानता, सब जानता, सबसे पूछ सकते हैं, यानी सबको परेशान कर रखा था। गार्जियन को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटता था, मारता था, किसी को नहीं बुझता था। क्या नाम हुआ इनका, फिर से बताइए? रुदल कुमार। रुदल कुमार, शादी हो चुका है? शादी हो गया।
कितना पत्नी है? दो पत्नी। अच्छा, उसके हाथ में जो लिखा हुआ है अंजलि देवी, पत्नी में को पहले जो है सो उसको छोड़ के दस्तखत करा के दूसरा किया था। पहली पत्नी का नाम जो लिखा हुआ है पहली पत्नी का है? हाँ, पहली पत्नी का नाम। R9 भारत के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट, बांका। चगावा गांव में पुलिया का सिलिस जाम होने से दर्जनों गांव का धान का फसल, गन्ना का फसल काफी क्षतिग्रस्त है। पुलिया जाम होने के कारण चरगैवा, चिलवानिया, रेड़ा, कोयली टोला, मुराडी, बड़हरिया, ब्रत बड़हरा आदि दर्जनों गांव जलजमाव में काफी परेशानी। दर्जनों गांवों को पानी निकलने का एकमात्र रास्ता था पुलिया, जो कि जाम होने के कारण सैकड़ों किसानों की फसल लगभग 5-6 सालों से बर्बाद होता जा रहा है। वही स्थानीय बोला गुप्ता, वार्ड सदस्य का कहना है कि अगर पुलिया की खुदाई करके साफ कर दिया जाए तो सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद न हो। और वार्ड सदस्य कहना है कि MLC भीष्म सहानी से भी इस बात को लेकर एक सप्ताह पहले अवगत कराया गया था। MLC द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पुलिया को बहुत जल्द साफ कराया जाएगा और अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई भी पता नहीं है। आपका नाम क्या होगा? जी नमस्कार, मेरा नाम भोला कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी, ये बताइए जो इतने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, वजह क्या है, क्या कारण है? जी वजह है कि 2 सालों से बंधा के बारिश के पानी चलते जल जमाव से हम लोग को फसल नुकसान हो जा रहा है। धान की फसल दह जा रही है, गन्ना भी पूरा पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहा है। इस समय भी पूरी धान की फसल दह गई है और गन्ना भी अब सूखने करार पे। अगर जो बंधा में पुल बना हुआ है अगर इसकी सफाई हो जाती है तो फसल मतलब नुकसान होने से बच जाएगी। आप लोग ये बता सकते हैं अभी तक इस समस्या के लिए कहाँ कहाँ आप लोगों ने या किसी को सूचित किया है कि नहीं, सिंचाई विभाग हुआ या जनप्रतिनिधि कोई होगा, ताकि इस पे निगाह किसी की पड़े और इस समस्या का समाधान निकल सके? जो भी व्यक्ति हम उससे मिलते हैं उनसे तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं 2 सालों से कि इस पुल की सफाई की जाए। कोई व्यक्तिगत कोई व्यक्ति बताइए जैसे? व्यक्तिगत में हम लोग MLC साहब आए हुए थे, फिर से वो आपके सांसद जी आए हुए थे, हम लोग वहाँ कहे चंद्रपुर आए थे, सिंचाई विभाग जय साहब से भी हम लोग कहे हुए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना दिन पहले की बात है? लगभग 10 दिन। 10 दिन। आप लोग चक्का जाम करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोग यह साबित करना चाहते हैं कि जब तक यह पुल सफाई नहीं होती है तब तक हम लोग अनशन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। इस पुल पानी के निकास के लिए सरकार द्वारा कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। कितनी आबादी का नुकसान है? लगभग 5,000 आबादी का नुकसान है, 1500 किसानों का फसल नुकसान है। 1500 किसानों का फसल भी नुकसान हो गया सिर्फ इस बारिश के पानी की? जी, बारिश के पानी की वजह से। अगर जल निकास बन जाता है पुल तो एक भी फसल नहीं नुकसान होगा, पूरी फसल बढ़िया से बच जाएगी। जी जी, धन्यवाद। देखना यह है क्या कि यहाँ की जनप्रतिनिधि जो भी है इस पंचायत को और यहाँ की जनता को बचाने के लिए क्या करते हैं और कब तक करते हैं। जहाँ तक जानकारी मिली है क्या कि इन्होंने MLC साहब से भी गुहार लगाई है कि इस समस्या का निदान किया जाए, सिंचाई विभाग की जेई से भी गुहार लगाई है, पर अभी तक किसी एकानों तक जू नहीं रहेगा है और ना ही किसी तरह की यहाँ पे समाधान मिल पाई है, जिससे जल जमाव से त्रस्त लोग अपने आप को सही सलामत जीवित साबित कर सके, कीड़ों के मकौड़ों की तरह जिंदगी यापन कर रहे हैं। कैमरामैन नितेश तिवारी के साथ धीरज श्रीवास्तव, भीता। R9 भारत के लिए धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बघा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।